सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बीजेपी को विश्वास भी है, आत्मविश्वास भी है, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान का नाम खुलकर बीजेपी का कोई भी नेता बता नहीं रहा है। अब इसके कारण आखिर क्या है? क्या केंद्रीय आलाकमान ने किसी नए चेहरे पर मुहर लगा दी है, और क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कोई भी कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है? जब इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी सवाल किया जा रहा है तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी आलाकमान जो जिम्मेदारी देगा, जो जवाबदारी देगा, मैं उसे निभाऊंगा। ये तो हुई बयानों की बात। अब हम आपको बताते हैं पर्यवेक्षकों का, पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं और इनके ऊपर दायित्व होगा कि मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक लेना और इसी विधायक दल की बैठक में बहुमत दल का नेता तैयार होगा, यानी कि बहुमत दल के नेता के नेता का जो नाम है वो इसी विधायक दल की बैठक में फाइनल हो जाएगा। अब चर्चा ये हो रही है कि विधायक दल की बैठक में किस नेता का नाम फाइनल होगा, क्या वो विधायक ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर केंद्र की ओर से कोई नया नाम, एक ऐसा नाम जिसने चुनाव ना लड़ा हो या फिर कोई और। तो ये बहुत सारी सुगबुगाहट इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में चल रही है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि केंद्रीय आलाकमान ने अपना नाम यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे तय कर लिया है। अब सिर्फ विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों को उस नाम का ऐलान करना है। बहुत ही ज़्यादा इस बार सस्पेंस भी आप कह सकते हैं, या बीजेपी आगामी समय के हिसाब से, दूरगामी समय के हिसाब से अभी से फैसला लेना चाह रही है और मध्य प्रदेश की आने वाली सियासत को उसी नेता के पैरेलल रखना चाहती है। यही वजह है कि अभी तक कहीं से भी कयास भले ही बहुत सारे लगाए जा रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने में फिलहाल अभी थोड़ा और टाइम है। बहरहाल सोमवार को शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और इसी विधायक दल की बैठक में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा।